छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 7 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री ने देश भर में मैं भी चौकीदार अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से किया संवाद। इसरो ने श्रीहरिकोटा से एम्बीसैट और 28 विदेशी नैनो उपग्रहों को ले जाने वाले पीएसएलवी C-45 का किया सफल प्रक्षेपण। और दंतेवाड़ा और धमतरी जिले में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सुनील सोनी ने कलेक्टोरेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा किया। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज भी रैली के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इसी तरह तीसरे चरण के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। तीसरे चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन 4 अप्रैल तक शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल कर सकते हैं। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थी 8 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। दुर्ग के भाजपा कार्यालय में भी इसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखा। कार्यक्रम के बाद दूरदर्शन समाचार से बातचीत के दौरान जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मैं भी चौकीदार कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि देश और घर की सुरक्षा बगैर चौकीदारी के संभव नहीं है, इसलिए हम भी चौकीदार हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मैं भी चौकीदार हूँ कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधान सेवक हैं और उनका काम है अच्छा बुरा सभी चीजों की निगरानी करना। प्रधानमंत्री जी केवल एक चौकीदार शब्द की परिभाषित ही नहीं किया है, बल्कि इस चौकीदार का अर्थ क्या होता है ये हम सब आज समझ रहे हैं। चौकीदार अब तक के लोग ये समझते थे किसी बड़े घरों में काम करने वाले, किसी बैंकों में काम करने वाले, किसी संस्थानों में काम करने वाले वो व्यक्ति जो वहाँ का हिफाजत करता था और चौकीदारी करता था और ये केवल उनकी ड्यूटी होता था, ऐसा लोग समझते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इन्हें परिभाषित कर दिया है, आज चौकीदार केवल एक वह व्यक्ति जो ड्यूटी करते वो नहीं है, बल्कि चौकीदार हर वो व्यक्ति है, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, एक माँ हो, एक पिता हो, एक अच्छा व्यवसाय करने वाला व्यवसायी हो, एक स्कूल में अच्छे बच्चों को शिक्षा देने वाला टीचर हो, ऐसे तमाम तरह के सभी व्यक्ति जो अपना दायित्व निभाता है वो सब चौकीदार है। मैं भी चौकीदार हूँ का जो आज ये कार्यक्रम है, उन्होंने आज चौकीदार की परिभाषा बताई है और डिटेल में परिभाषा बताई है कि सिर्फ चौकीदार ही चौकीदार नहीं होता है, देश का हर नागरिक जो भी किसी की सुरक्षा करता है, चाहे वो माँ रहे, चाहे वो शिक्षिका रहे, चाहे वो डॉक्टर रहे, जो एक दूसरे की सुरक्षा करता है वो सब एक चौकीदार का रूप है। और आज जो उत्साह दिख रहा है इस कार्यक्रम में, निश्चित ही आने वाले चुनाव में सब चौकीदार मिलके हमारे प्रधान चौकीदार को फिर चलाएंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कुछ विधानसभा क्षेत्रों के संवेदनशील मतदान केंद्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन अधिसूचना के मुताबिक पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत
चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि बस्तर निर्वाचन क्षेत्र के बाकी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसी तरह दूसरे चरण के तहत कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और कांकेर विधानसभा क्षेत्रों में भी सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमामोरा और औंध मतदान केंद्र में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान चलेगा, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र के बाकी मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा तीसरे चरण के तहत सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सामरी विधानसभा क्षेत्र के चुनचुना और पुन्नाग मतदान केंद्रों में भी सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र के बाकी मतदान केंद्रों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक पिछले चुनाव में मतदान का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहता था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय में परिवर्तन करते हुए सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान की समय सीमा निर्धारित की है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मतदान की तैयारियां की जा रही हैं। जो आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान किया जाना है और उसी अनुसार सभी मतदान केंद्रों में मतदान की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मतदान केंद्रों में यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ पर पर्याप्त दरवाजों की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, वहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप की व्यवस्था हो और सभी प्रकार की बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो हैं वो मतदान केंद्रों पर रहें। इसके लिए सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराकर उनसे रिपोर्ट ली गई है और आवश्यक सुधार किए गए हैं। कोरबा कलेक्टर ने यह भी बताया कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल सहित अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। वहीं राजनीतिक गतिविधियां तेज होने से चुनावी मुद्दे भी गर्माने लगे हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनावी वायदों को पूरा करने का भरोसा दिला रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने अधिवक्ता अरुण कुमार साव को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव को टिकट दिया है। भाजपा प्रत्याशी अरुण साव का कहना है कि इस बार का चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गति तेज हुई है और उनके सक्षम नेतृत्व की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। निश्चित रूप से यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देश का जो चहुंमुखी विकास किया है, आज न केवल दुनिया में भारत के विकास की गति और भारत के सक्षम नेतृत्व की चर्चा है, बल्कि आज 5 वर्षों में देश समृद्ध हुआ है, सुरक्षित हुआ है और इसलिए जनता में भारी उत्साह है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में आशीर्वाद और सहयोग मांग रहे हैं। जनता स्वस्फूर्त आकर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कामकाज के मुद्दे को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अब राहुल गांधी जी अगर ये कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए महीना या 72,000 रुपए साल का पैसा देंगे और वो भी महिलाओं के खाते में जाएगा, तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे, ये हमारा विश्वास है और ये जनता भी विश्वास करेगी कांग्रेस जो कहती है वो करती है। देखिए, ये तो लोकतंत्र का महासंग्राम है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। सामने कौन होगा ये मुझे चिंता नहीं है। हम तो रणभूमि में आए हैं और जनता के साथ मिलकर चुनाव को लड़ेंगे, इस रणभूमि में जीतेंगे। सामने कौन है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के तहत 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है।
लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नारायणपुर जिले में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करने जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के खेल परिसर मैदान से मैराथन दौड़ आयोजित की गई। ये दौड़ मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः खेल परिसर मैदान में समाप्त हुई। इसमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमृत विकास तोपनो ने कहा कि मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आज यहाँ मैराथन दौड़ की कार्यक्रम कराया गया है। ये स्वीप कार्यक्रम के तहत किया गया है। इसे मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है, जिसमें जितने भी आसपास के नगरवासी थे और स्कूल के बच्चे थे और क्या बोलते हैं स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स हो गए, फिर शासकीय कर्मचारी हो गए, फिर आपके कॉलेज में जो न्यू वोटर्स आ रहे हैं उन सबको बुलाया गया था और उन लोगों को मैराथन रेस में पार्टिसिपेट कराया गया था, जिससे नारायणपुर में भी वोट परसेंट बढ़ सके। थैंक यू। इस मौके पर मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान करने और करवाने के लिए शपथ भी दिलाई गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह 9:27 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-45 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण यान एमिसेट और अन्य 28 विदेशी नैनो उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित करेगा। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 24, लिथुवेनिया के 2 और स्विट्जरलैंड और स्पेन के 1-1 उपग्रह हैं। ये चारों स्टेपन पर जुटे हैं और ये एक विहंगम दृश्य। इस समय जो रॉकेट है इन चारों स्टेपन और मुख्य रॉकेट को लेकर आकाश की ओर अग्रसर हो रहा है, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। परफेक्ट नॉर्मल लिफ्ट ऑफ ऑल द 4 स्टेपन्स एंड द कोर ब्लेजिंग द पीएसएलवी टुवर्ड्स द स्काई, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ सक्सेसफुल नेगोशिएटेड बाय पीएसएलवी। कैन यू हियर द रोड? इस समय आपको से निकलने वाली आवाज का अनुभव हो रहा होगा और हमारे पैरामीटर्स जो कि हमारे स्क्रीन पे हमको दिखाई दिए जा रहे हैं वो फ्लाइट पैरामीटर्स सारे के सारे एकदम नॉर्मल चल रहे हैं। इसरो ने कहा है कि मुख्य उपग्रह एमिसेट और 28 विदेशी उपग्रहों को 2 विभिन्न कक्षाओं में भेजा जाएगा और बाद में रॉकेट का 4th इंजन अंतरिक्ष में 3rd कक्षा में ले जाया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाकों में माओवादियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। माओवादी चुनाव बहिष्कार संबंधी बैनर पोस्टर भी लगा रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों द्वारा इन क्षेत्रों से लगातार माओवादियों के बैनर पोस्टर भी जब्त किए जा रहे हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दंतेवाड़ा जिले में कुल 273 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अधिकांश मतदान केंद्र अति संवेदनशील और माओवाद प्रभावित हैं। दंतेवाड़ा पुलिस को लगातार माओवादियों की उपस्थिति की सूचनाएं भी मिल रही हैं। जिला पुलिस अपनी प्राथमिकता के आधार पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। जिले के 59 मतदान केंद्रों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया है। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। कैंडिडेट्स हैं जो भी लोकसभा में बस्तर में हैं, 7 कैंडिडेट्स के लिए हमने प्रोटोकॉल ऑफिसर डिसाइड किया है और उनसे हम डेली बात करते हैं कि 24 घंटे पहले वो हमें सूचना दें। यदि वो अंदरूनी क्षेत्र में जा रहे हैं तो जब भी वो अंदरूनी क्षेत्र में जाएंगे उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जितने XYZ टाइप के प्रोटेक्टी हैं उनको भी हम अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से यदि सुरक्षा मापदंडों का राजनीतिक पार्टी से है वो पालन करेगी तो हम सफल चुनाव कराने में हम सक्षम हैं। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
दंतेवाड़ा जिले में एक महिला सहित तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। वे लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हुए बम विस्फोट की योजना बना रहे थे। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि राज बंगला इलाके में एक टिफिन बम सहित विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार तीनों माओवादियों ने खुलासा किया है कि उनका इरादा लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की आवाजाही पर नजर रखना और उनको निशाना बनाते हुए विस्फोटक इस्तेमाल करना था। दंतेवाड़ा जिला लोकसभा के बस्तर निर्वाचन क्षेत्र में आता है, जहां 11 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने चुनाव से पहले माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं धमतरी जिले के खल्लारी इलाके में चमेला के जंगल से दो माओवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों पर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने इन माओवादियों को पकड़ा, साथ ही मौके से हथियार, माओवादी साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।